हमारे जो आगे जो अभी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि हम उनकी उनकी बिटिया तो बहुत अच्छी जगह चली गई, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे नहीं कर पाते, वो छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो छोटी छोटी नौकरियां पा रहे हैं, तो कैसे पाएंगे, मतलब कैसे होगा जब सारी चीजें, हाँ जब सारी चीजें फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और बिजनौर का रोजगार का मुद्दा है, और बिजनौर जो है ना, बिजनौर में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा समस्या है, यहाँ की इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे बिजनौर के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे उद्योग होना। बताइए क्या नाम? मोहम्मद जकी नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद जकी। जकीर जी क्या करते हैं आप? जी हम छोटा सा कारोबार करते हैं। बताइए क्या है इस बार कारोबार? देखिए कारोबार की स्थिति तो बिल्कुल इस बार जीरो हो चुकी है, लेकिन मसला यह है कि आज की सरकारें, कोई शमशान की बात करता है, कोई कब्रिस्तान की बात करता है, कोई हिंदुस्तान की बात करता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई नौजवान की बात कोई नहीं करता। शिक्षा के मुद्दे को खत्म कर दिया है सरकार ने, बताइए आज डिवाइडेशन के नाम पर वोट ले रहे हैं, कोई कहता है कि हम दलित समाज इतना है, जाट समाज इतना है, मुस्लिम समाज इतना है, हम तो सर्व समाज का वोट, ऐसा लीडर होना चाहिए जिसे सर्व समाज चुने और लोगों का काम करे, लोगों का काम आए। ठीक है, तो ये यहाँ के लोगों का कहना है कि जाति धर्म और इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठकर वोट देना चाहिए, लेकिन चुनावी गणित में सभी पार्टियां जाति धर्म और इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार से लेकर घोषणाएं तक करती हैं। क्या कुछ होगा बिजनौर में, ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे, 10 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। हाँ क्या कहेंगे चाचा? मेरा नाम हरपाल है। हाँ, मैं समाज को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, क्या है समाज में? हाँ, शिक्षा का अभाव हो चुका। हाँ, शिक्षा नाम को रह गई है। हाँ, वो पूछो क्या शिक्षा है? हाँ, अब तो धनी और कागजी इलम ही शिक्षा मानना जा रहा, व्यवहारिक शिक्षा खत्म है। आप कह रहे हैं कि जो है वो स्कूलों की डिग्रियां मानी जा रही, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं मैटर करता, यानी अनुभव शून्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अपने माँ बाप के पैर छूने में बहुत शर्म कर रहा है, बुजुर्गों का सम्मान करने में शर्म कर रहे हैं। क्या है ये शिक्षा? ठीक है, खोखली होगी शिक्षा, शिक्षा का ढिंढोरा पीट रखा है। क्या है शिक्षा? ठीक, चरित्र में मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर संस्कृत मैं पढ़ता हूँ, संस्कृत बताइए ना, याद नहीं है। हम तो नौकरी कर रहे हैं भैया, याद नहीं है कुछ भी। ये शिक्षा आजकल की, मैं अपना तो पोते से या किसी से पूछू भैया। हाँ, इसका साइंस में वो क्या है? हाँ, अने याद नहीं है। हाँ, पढ़े हुए हैं, डिग्री है, हम पर याद होगा नहीं है। हाँ, क्या पैसे के बल पर नौकरी कर रहे हैं हम तो भैया? हाँ, 6 लाख रुपए वहाँ दिए, 20 लाख वहाँ दिए। हाँ, कोई सी भी सरकार आ जावे, किसी की भी आवे, ये भ्रष्टाचार की जड़ तो इतनी लागू हो गई, किसी सरकार से भी नहीं उखड़ रही। ठीक है, क्या कैसे उखड़ेगी? अगर इसका चयनित पूरे समाज ओपिन में होगा,